how to make money online with website in urdu Menai musan from computerpakistan.com step 1 create a website in blogger step 2 create 300 posts of more 300 words in each post step 3 wait 6 months and apply for google adsense step 4 you are done स्टेप वन पर आते हैं किस तरह से हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे ब्लॉगर के अंदर ठीक है और ब्लॉगर क्या है ब्लॉगर बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ब्लागर डॉट कॉम जिसके अंदर हम वेब ब्लॉग बनाते हैं एक वेबसाइट बनाते हैं जो के कंट्रोल पैनल है बेसिकली ब्लॉगर हमारा और इसका फ्रंट एंड मैं आपको दिखा दूं फ्रंट एंड है इसका देखें जैसा कि मेरी वेबसाइट है फेसबुक फेसबुक ये फेसबुक हेल्प के लिए है वेबसाइट ये हमारा फ्रंट एंड है और बैक एंड मीन्स कंट्रोल पैनल सी एम एस जहाँ पर हम आ, टेक्स्ट एड कर सकते हैं लिंक एड एड कर सकते हैं इमेज एड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है आपको प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है आई टी फील्ड का होने की जरूरत नहीं है जस्ट आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एड करोगे अपनी वेबसाइट पर और देखें 300 वर्ड्स की एक पोस्ट बनानी है। वो पोस्ट किस तरह से बनानी है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ठीक है जी तो ये हमारा हो गया स्टेप वन आपको वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है बिल्कुल इजी है ये मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा ब्लॉगर ब्लॉगर के अंदर आप वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करोगे और क्रिएट थ्री पोस्ट में थ्री पोस्ट क्यों कह रहा हूँ आए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर की तरफ आते हैं ओके okay जी ये मैंने पहले से हिसाब करके रखा हुआ है फिर से मैं हिसाब करता हूँ अगर आप 300 वर्ड की एक पोस्ट लिखते हो 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन और ऐसे 300 पोस्ट लिखते हो और ठीक है जी और फॉर सपोज एक पोस्ट पर कितने विजिटर आने चाहिए सो so, मिसाल के तौर पर आपके वेबसाइट एक पोस्ट पर 300 वर्ड के एक पोस्ट पर 100 विजिटर आते हैं मिसाल के तौर पर एक पोस्ट पर आपके 100 विजिटर आते हैं 300 वर्ड की पोस्ट हो वो और टोटल वर्ड्स की वर्ड टोटल 300 पोस्ट हों एक विजिटर आए एक पोस्ट पर और वो टोटल 300 सौ हों तो होंगे तीस हजार ठीक है जी तीस हजार विजिटर आएंगे आपको एक दिन में और इनको हम मल्टीप्लाई करें 30 के साथ मीन्स 30 दिन के साथ एक मंथ में कितने आएंगे 9 लाख ,00 विजिटर आएंगे आपके पास और 9 लाख ,00 विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए तो ये बहुत बड़े ट्रैफिक होती है मिसाल के तौर पर आ, हमारी सिटी है जकेबाबाद उसके टोटल पॉपुलेशन है 4 लाख मिसाल के तौर पर ढाई सिटी मीन्स दो या तीन सिटी मिलकर उतनी ट्रैफिक जनरेट करेंगे अगर मैं चार लाख पीपल देखता हूँ और बाजार में जाता हूँ तो मैं मुझे घूमने का जो है ना ईद वाले दिनों में या ऐसे ही आम दिनों में मैं जाता हूँ बाजार में तो वहाँ पर घूमने के लिए जगह नहीं होती इतने लोग होते हैं इतनी ट्रैफिक होती है तो देखें नौ लाख विजिटर जब आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो तो ये बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है और ये बहुत बड़ी वेबसाइट मानी जाती है और इस वेबसाइट की इनिंग अगर हम काउंट करें तो मैं आता हूँ इर्निंग के हवाले से अपने गूगल एडवर्ड्स पर देखें आ, मैं गूगल एडवर्ड को पे करता हूं यहां पर हम कैंपेन क्रिएट करते हैं कुछ एडवर्टाइज है है में करता हूं अपनी वेबसाइट के लिए देखें ये एडवर्टाइज है मेरी वेबसाइट की जहां पर मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज सेल करता हूं नाम है मेरी वेबसाइट का कंप्यूटर पाकिस्तान डॉट कॉम तो इसके लिए मैं गूगल एडवर्ड को पे करता हूँ और वो मैं कितनी पे करता हूँ देखें आठ हजार ये देखें क्लिक हुई है मेरी वेबसाइट पर तो मैंने आठ हजार गूगल को पे किए हैं एक मंथ के अंदर तो गूगल ने आठ हजार लोग मेरी वेबसाइट पर भेजे और उन आठ हजार लोगों से मैंने कितनी कमाए हैं पैसे तो राउंड अबाउट मैंने आठ हजार लोगों से एक लाख ,00 कमाया होगा तो यहाँ पर देखें आपके पास कितने लोग आते हैं वेबसाइट पर कैलकुलेशन के हिसाब से एक मंथ में नौ लाख तो नौ लाख ,00 लोगों से आप अगर 9 लाख लोगों को एडवर्ट एडवर्टाइज़ दिखाएं मैं एडवर्टाइजर हूं बेसिकली अगर आप एडवर्टाइजर तो गूगल एडवर्ड पर काम करेंगे अगर आप पब्लिशर हो तो अपनी वेबसाइट पर काम करोगे ठीक है स्टेप नंबर फोर है गूगल एडसन गूगल एडसन बेसिकली क्या है यह पब्लिशर को पे करता है जो अपनी वेबसाइट पर एड लगाते हैं मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है फेसबुक तो अगर मैं गूगल एडिशन की एड लगाऊं अपनी वेबसाइट पर तो 9 लाख मिसाल के तौर पर अभी आते नहीं हैं वो मैं आपको बताऊंगा कितनी पोस्ट मैंने की हुई हैं एट दिस टाइम और मेरा ये वेबसाइट नहीं है मैंने इस ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है क्योंकि सिक्स मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वेबसाइट बनाया बना रहा हूँ और उसके वीडियो भी बना रहा हूँ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से एनिंग करोगे आप वेबसाइट से गूगल एडिशन की मदद से ठीक है तो देखें ये मेरी वेबसाइट अगर इसके ऊपर मैं एडवरटाइज करूं मैं पब्लिशर बन जाऊं तो गूगल मुझे पे कितने करेगा अगर 9 लाख ,00 विजिटर हो मेरी वेबसाइट पर एक्चुअल तो गूगल मुझे कितने पे करेगा तीस हजार विजिटर पर आप तीन लाख इजीली कमा सकते हो एक दिन में राउंड अबाउट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं इससे ऊपर भी कमा सकते हो इससे कम भी कमा सकते हो यह डिपेंड करता है कि आप कौन से की जो है नारगेट करते हो अपनी वेबसाइट के लिए और वेबसाइट के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं जैसा कि मैंने टॉपिक क्रिएट किया हुआ है फेसबुक मैं फेसबुक के मुतल मैंने ये वेबसाइट बनाई है आ, कमेंट किस तरह से किए जाए अकाउंट फ्रेट्स गेम्स ग्रुप वगैरह वगैरह के हवाले से एक मुकम्मल आ, सपोर्टिव वेबसाइट बनाई है आप वेबसाइट बना सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए आप वेबसाइट बना सकते हो न्यूज़ के लिए एजुकेशन के लिए आप वेबसाइट बना सकते हो हाउ टू एर्यन मनी ऑनलाइन के हिसाब से डेटा एंट्री प्रोजेक्ट के हवाले से आप क्लासीफाइड बना सकते हो जैसा कि ओ एल एक्स है आप सोशल नेटवर्क बना सकते हो आप वीडियो वेबसाइट्स बना सकते हो ठीक है आप एस सी ओ सपोर्ट मीन एस सी ओ अगर आप सही एस सी ओ करोगे तो आप आ, तीन सौ पोस्ट पर इतने विजिटर आ जाएंगे नौ लाख तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट किस तरह से करनी है ए सी ओ पॉइंट ऑफ व्यू से और तीन सौ वर्ड की पोस्ट कैसे करनी है लिंक कितनी एक पोस्ट के अंदर कितनी लिंक ऐड करनी है कितने इमेज ऐड करने हैं और हेडिंग कितनी ऐड करनी है एच वन टू वगैरह ये वो सब कुछ अगर इसका मैं डायग्नोज करूं अगर इस पेज को मैं डायग्नोज करूं ये मेरी वेबसाइट की लिंक है और इस पोस्ट की लिंक है तो अगर इसको मैं डायग्नोज करूं ए पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें वेबसाइट का जो है ना टाइटल बहुत बड़ा है और ये कह रहा है कि टाइटल लेस देन सेवेंटी करेक्टर होना चाहिए मैंने बड़ा टाइगर टाइटल लिखा है ये ए पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलती मानी जाएगी आ, मेरे वेबसाइट की यूआरएल सही है मेटा डिस्क्रिप्शन सही है अगर कीवर्ड ना भी दें तो कोई बात नहीं है लेकिन आप कीवर्ड हिट करोगे जैसा कि मैंने हिट किया हुआ है कीवर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू फेसबुक कॉम लॉग इन प्रॉब्लम्स ये मैंने कीवर्ड हिट किया हुआ है और एक दो मंथ के बाद ये वेबसाइट मेरी टॉप पर आ जाएगी और इस पर हंड्रेड से भी अबो विजिटर आ जाएंगे ठीक है मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन मैंने सही दी हुई है बिल्कुल देखें H1 पर मैंने अपने वेबसाइट का टाइटल रखा रखा हुआ है और दूसरे आ, H2, H3 वगैरह से मैंने हेडिंग दी हुई है और हेडिंग कहाँ है मेरी वेबसाइट की देखें ये जो टॉप की हेडिंग है ये हेडिंग से मेरी वेबसाइट की ये मैंने बिल्कुल सही रखी हुई है ओके और इमेज के ऊपर मैंने फोर इमेज मेरे इस टेम्पलेट के ऊपर यूज हो रहे हैं मैंने उनके ऊपर जो है ना अलर्ट टैग नहीं लगाया ये भी एक मिस्टेक मानी जा रही है टेक्स्ट पंद्रह परसेंट होने चाहिए लेकिन मैंने तेरह परसेंट लिखे हुए पाँच सौ वर्ड के लिए अगर लिखोगे तो वो पंद्रह परसेंट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक करेंगे वेब से गूगल के अंदर पोस्ट आपकी तो बाकी सब कुछ इसके सही हैं ठीक है ये ए सीओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हेल्प देता जाऊँगा कोर्स के अंदर देखो जैसा कि मैंने डी आई टी कोर्स लिखा हुआ है और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरी वेबसाइट आ गई है आ, ये कीवर्ड मैंने टाइप किया गूगल के अंदर और इसके अंदर मेरे टॉप पर रैंक आ रही है मेरी वेबसाइट की तो देखें ये मेरी पोस्ट है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर मैंने कितने लिंक्स दिए हैं और एक वीडियो भी ऐड कर दिए वगैरह वगैरह ये सब कुछ मैंने इस पोस्ट के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं कोर्सेज सेल करता हूँ इसके लिए मैं गूगल एडवर्ड को पे भी करता हूँ मैं एडवर्टाइज़र हूँ ठीक है गूगल एडवर्ड को पे करता हूँ आप बनोगे पब्लिशर आपको एडनिंग करनी है गूगल से एडसन के थ्रू तो आप यहाँ पर एड्स लगाओगे ओके okay. ये हो गया गूगल एडसन स्टेप फोर अब तो आपके जहन में आइडिया आ गया होगा कि आपको वेबसाइट से हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विथ वेबसाइट इन उर्दू लैंग्वेज कंप्लीट कोर्स में बनाने जा रहा हूं ठीक है ब्लॉगर में हम एक वेबसाइट बनाएंगे जैसा कि मैंने वेबसाइट बनाई है फेसबुक डार्ट नेट और उनके ऊपर पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे थ्री हंड्रेड वर्ड की पोस्ट एस पॉइंट ऑफ व्यू से मीन सर्च इंजिंग ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट करते जाएंगे 300 पोस्ट करेंगे और वेट करेंगे सिक्स मंथ सिक्स मंथ क्यों वेट करना चाहिए और 300 सौ वर्ड की अगर पोस्ट लिखोगे मंथ तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहेगा गूगल नाउ गोइंग टू मोर एडवांस बहुत एडवांस हो गया इसकी हो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा हो गई हैं सिक्स मंथ ओल्ड वेबसाइट होनी चाहिए उस पर ट्रैफिक हाई जनरेट होनी चाहिए कम से कम तीस हजार मीन एक लाख से कम विजिटर एक मंथ में आने चाहिए अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो उससे नौ लाख बन रहे हैं अगर नौ लाख विजिटर नहीं भी आ रहे आपके पाँच लाख आ रहे हैं चार लाख आ रहे दो लाख तीन लाख आ रहे हैं वो आपके पोस्ट लिखने पर डिपेंड करता है आप पोस्ट किस तरह से लिखोगे ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप कौन सी वेबसाइट चूज कर रहे हो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है तो उस हिसाब से आपकी ट्रैफिक आएगी वेबसाइट पर तो सिक्स मंथ वेट करना होगा ये टर्म्स एंड कंडीशन है क्योंकि कम से कम ओल्ड वेबसाइट होनी चाहिए सिक्स मंथ और आपकी ट्रैफिक कम से कम एक लाख तो होनी चाहिए और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे गूगल एडिशन के लिए फिर आप गूगल एडिसन के लिए अप्लाई करोगे आपको गूगल अप्रूव एडिशन अप्रूव करेगा फिर आप अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज लगा सकते हो ठीक है जी यहां पर आप एडवर्टाइज लगा सकते हैं क्योंकि ये मेरी वे वेबसाइट है इसको अभी सिक्स मंथ पूरे नहीं हुए दो मंथ ही हुए जनवरी हाँ दो दो तीन मंथ हो गए हैं इस वेबसाइट को तो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ अभी मैंने नाइन्टी पोस्ट लिखी हैं देखें इस वेबसाइट पर तो और भी पोस्ट लिखनी है मुझे तो ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा ब्लॉगर कंप्लीट सिखाऊंगा और ब्लॉगर सिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसन पर किस तरह से अप्लाई करोगे 100% आपका जो है ना अकाउंट अप्रूव हो जाए और अपनी वेबसाइट पर Uh, किस तरह से ट्रैफिक जनरेट करनी है और ट्रैफिक जनरेट कर आपको गूगल एडसेंस से करनी है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू जब आप मेरे uh, point of view से चलना, चलोगे तो सिक्स मंथ के बाद आप कंप्लीट राउंड अबाउट तीन से चार लाख पांच छह लाख एक मंथ में कमा सकते हो आफ्टर सिक्स मंथ और कौन से लोगों को ये काम करना चाहिए और कौन से लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए आई हाईली हाईली रिकमेंडेड टू यू ऑल ऑफ यू जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उन सबको मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ वो लोग ये काम ना करें जो जो के जिनकी मीन्स बैकग्राउंड इतना अच्छा ना हो मिसाल के तौर पर जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ उसको सपोर्ट करने वाले हों उसके ऊपर कोई डिपेंड ना करें मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर के फ़र्द हो और आपके ऊपर घर का फो बो जो है एनिंग के हवाले से आपको घर को सपोर्ट करना है तो वो लोग ये काम ना करें मैं उनको हाईली हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि वो आएंगे सिक्स मंथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर उस उन्होंने सही काम नहीं किया तो उनके लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी वो गूगल एडसेंस से अप्रूव अकाउंट नहीं कर पाएंगे और उनके सिक्स मंथ एक साल पूरा ज़ाया चला जाएगा और वो पछताएंगे इस टाइम पीरियड पर और अपने घर वालों को भी आ, परेशान करेंगे क्योंकि मैं उन लोगों को रिकमेंडेड नहीं करूँगा जो अपने घर को चलाते हैं कोई काम करते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम आते हैं अपने घर वालों के लिए उन लोगों को मैं हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ वो लोग ये काम ना करें और कौन से लोग ये काम करें मैं उनको रिकमेंडेड करूँगा जिनके पास बैकअप सपोर्ट हो घर में कमाने वाले हों घर इजीली चल रहा हो कोई इसके ऊपर बोझ ना हो और इसके पास सिक्स मंथ फ्री टाइम हो और सिक्स मंथ मेहनत करने के बाद वो ये ना कहे कि यार मेरे घर वालों में अगर ये टाइम कहीं और देता और वहाँ पर सिक्स मंथ मुझे एक्सपीरियंस मिल जाता और मेरी जो है ना सैलरी महाना दस हज़ार बीस हज़ार पंद्रह हज़ार हो जाती तीस हज़ार हो जाती तो आ, उन लोगों के लिए मैं ये रिकमेंडेड ना करूँगा जो कि घर के काम करते हैं जिनके ऊपर घर का बोझ हो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ना आए ये काम बिल्कुल ना करें और जो लोग जिनके ऊपर घर के ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं है और सिक्स मंथ हैं उनके पास और उनको अच्छी इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश में कोई पोस्ट लिख सकते हैं कोई आर्टिकल लिख सकते हैं तो वो लोग आए उन उनका मोस्ट वेलकम तो इसके साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेप वन में वेबसाइट बनानी है स्टेप टू में उसके अंदर 300 सौ की 300 पोस्ट करनी है और सिक्स मंथ वेट कर कर गूगल एडिसन के लिए अप्लाई करना है और ट्रैफिक राउंड अबाउट एक लाख तक होनी चाहिए तो वो लोग तीन लाख से ऊपर चार लाख पांच लाख कमा सकते हैं और फिर से मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ऑनलाइन पर फ्रॉड से बचें ठीक है जो कहते हैं कि आप एक मंथ में दो दिनों में आप काम करना शुरू करो आप आपको ढेरों पैसों कमाना शुरू कर देंगे तो ये बिल्कुल झूठ कहते हैं वो फ्राडी लोग हैं लोगों को फ़्रॉड के ऊपर आते हैं लाते हैं और कहते हैं कि भाई आ, आप इतने लाखों रुपए कमाना शुरू करोगे ये काम करो वो काम करो तो मैं आपको कोई भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा आप वेबसाइट पर अपना टाइम ऑनलाइन पर अपना टाइम वेस्ट ना करो और जाओ कहीं और फिज़िकली जाकर काम करो कहीं पर नौकरी करो जॉब करो वहाँ पर 2000 से 3000 हज़ार रुपये पर काम करो और अपने घर वालों को सपोर्ट करो ठीक है जी मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था अभी मेरी इर्निंग तो बहुत ज़्यादा है मैं आपको अगर अपनी इर्निंग बताऊँगा तो आप शॉक हो जाओगे लेकिन ये मेरी इर्निंग कितनी मेहनत के बाद हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ चलें बात खोली है तो मैं आपको बता देता हूँ देखें मैंने वेबसाइट का कैरियर स्टार्ट किया था 2010 में और 2010 में मुझे बिल्कुल काम नहीं आता तो मुझे ये भी पता नहीं था कि वेबसाइट बनानी किस तरह से और वेबसाइट जनरेट किस तरह से करनी है मैं स्टूडेंट था मैंने मास्टर की थी कंप्यूटर साइंस में और मुझे थोड़ी बहुत स्किल थी मुझे अडाप्ट के बारे में नॉलेज थी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफिस वगैरह वगैरह के बारे में तो मुझे काम आता था और मेरी इंग्लिश भी थोड़ा सा अच्छी थी तो मैं तो आ गया वेबसाइट पर लेकिन मुझे कितना टाइम लगा मुझे लगे तीन साल समझने में और वेबसाइट पर मेरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होती थी मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते थे तो मेरी एर्निंग नहीं होती थी और घर वालों का घर वाले भी मेरे ऊपर डिपेंड करते थे मैं कुछ कमाऊँ घर वालों को सपोर्ट करूँ तो मैं अपने घर वालों को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था दो से तीन स, दो एक से दो साल तक मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा बहुत टफ टाइम गुजारा और इन टाइम में आप समझ सकते हो कि एक मास्टर लेवल बंदा और उसकी इनकम ज़ीरो हो और वो कुछ भी ना कमाए और घर वाले उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसके लिए कितना टफ टाइम होगा ये आप समझ सकते हो तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप वो लोग यहाँ पर ना आए ऑनलाइन एर्निंग पर अपना टाइम वेस्ट ना करें जिन जिनके ऊपर घर वाले डिपेंड करते हैं और अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहो शौकिया तौर पर आपके पास एक घंटा हो जो आप दे सको ऑनलाइन तो वो लोग आ सकते हैं लेकिन फिर भी मैं उनको रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि वो आएंगे तो एक घंटे स्पेंड करने के बजाय दो तीन घंटे स्पेंड करेंगे अपनी जॉब पर टाइम नहीं दे पाएंगे और जलील हो जाएंगे भाई ठीक है तो ये मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा अभी मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है मैं बहुत अच्छी अर्निंग करता हूँ ठीक है अपने कोर्सेज से और पोस्टिंग वगैरह करता हूँ ए वगैरह के हवाले से मैंने ये मैं कोर्स बना रहा हूँ तो उन लोगों को ज़्यादा मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आएँ उनका मोस्ट वेलकम वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आती हो और ये आपके लिए आ, आपको एक्सपर्ट होना नहीं चाहिए कि आप वेबसाइट बनाना आती है नहीं आती है, आपको बस आर्टिकल लिखना है और आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करो जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि किस तरह से कौन सी वेबसाइट के टॉपिक आप बना सकते हो ठीक है जी तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ नासिर